अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदेद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और ये जो सर्दियों का सीजन है जाता जाता है, ये जो विंटर का एंड सीजन है, इसे भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे तो कहने को विंटर सीजन का बस एंड हुआ ही चाहता है, लेकिन एशिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं कि जहाँ पर जो सूरत हाल है और जो वेदर प्रिडिक्शन है, जो मौसम की सूरत हाल है, उसको देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि सर्दियां अपने एंड पर हैं। इसी तरह की एक जगह है जनाब, जहां पे पांचवा टेस्ट मैच खेला जाएगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। मौसम की सूरत हाल कुछ गड़बड़ है और बड़ी एक्साइटमेंट है काफ़ी लोगों को, मुझे भी, हम सबको, कि भाई पांचवा टेस्ट मैच, जिसमें काफ़ी माइलस्टोन्स इंडिया ने अचीव करने हैं, प्लेयर्स के लिए इंडिविजुअली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर कुछ मैच हमने लास्ट वीडियो में इसे डिस्कस भी किया था, जोनी बेरिस्टो की बात कर लें या अश्विन की बात कर लें, एज ए इंडिया हम होल टीम की बात कर लें, क्योंकि अगर पांचवा टेस्ट मैच जीत जाएंगे तो पहली दफा इंडिया अपनी विनिंग और जो लूजिंग रेशियो है टेस्ट मैच में, उसे बराबर करने में, बैलेंस करने में कामयाब हो जाएगा। इसके अलावा जनाब, एक ऐसे ग्राउंड में मैच खेला जाना है जहां पे कुलदीप यादव का डेब्यू हुआ था, तो उनकी अपनी डेब्यू की यादें भी ताजा होंगी। और अगर हम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो भी कुछ प्लेयर्स अपने माइलस्टोन्स अचीव करने के करीब हैं, जिनमें जेम्स एंडरसन का नाम सरे फहरिस्त है। सिर्फ दो विकेट्स दूर के उनकी टेस्ट विकेट 700 हो जाएंगी। और जो मौसम है, मगर जनाब मौसम के अंदाज कुछ निराले हैं। टेस्ट मैच यकीनन जो वेदर है धर्मशाला का, उससे अपसेट तो होगा। अगर हम वेदर प्रिडिक्शन की अभी तक बात करें तो जी, पहले दो दिन तो वेदर के काफ़ी ज़्यादा, बारिश के काफ़ी ज़्यादा इम्कान है, बल्कि सर्दी भी काफ़ी होगी। अगर पहले दिन की बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस तक कम से कम टेम्परेचर जा सकता है। दूसरे दिन टेम्परेचर कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन बारिश के इम्कान फिर भी हैं। पहले दिन काफ़ी ज़्यादा हैं, थंडरस्टॉर्म का भी सुना जा रहा है कि भाई आ सकता है। और फिर तीसरे और चौथे दिन सुकून है, और पांचवें दिन फिर बारिश के कमबैक करने के इम्कान है। तो मैच तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, लेकिन दोनों टीम्स की ये कोशिश होगी कि इस मैच को जीतें और सीरीज का जो इख्तिताम है वो जीत पर करें। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो अक्सर लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो वेदर है, वो जिस तरह की आउटफील्ड की कंडीशन है और जिस तरह का वेदर हो गया है, जिस तरह का टेम्परेचर है, सो इंडिया से ज़्यादा ये इंग्लैंड को होम वाली फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि वो लोग सर्दी के आदि होते हैं। लेकिन पिच है सबसे ज़रूरी। पिच किस तरह से बिहेव करेगी, किस तरह की पिच बनाई जा रही है। बाज़ों का ऐसा भी कहना है कि भाई इंडिया जो है वो पांचवें टेस्ट मैच में तो लाजमी तौर पे स्पिनिंग पिच ही बनाएगा और इंग्लैंड को मुश्किल में डालने की कोशिश करेगा। बट आई डोंट थिंक सो कि पिच के साथ ज़्यादा टेलरिंग करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इंडिया की टीम जिस स्मूथ वे में आगे बढ़ रही है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो खेल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि पिच को इसमें ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल क्या होगा ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन ऑफ कोर्स पेसर्स सीमर्स के लिए ये बड़ी अच्छी कंडीशंस हैं। और बॉल के अंदर हम देखेंगे कि अगर हम अभी वेदर की बात करें तो मेरे ख्याल से स्विंग मिलेगा एयर के अंदर बॉल को काफ़ी। अब ये देखना है कि सीम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो जनाब जब मैच शुरू होगा तो हमें तभी पता चलेगा। तो जी, इस मैच की आपसे बात करेंगे, क्योंकि कुछ खिलाड़ी कमबैक करने के चक्कर में हैं। ऑफ कोर्स चक्कर में क्या, ये कहें कि कमबैक उनका होना ही है, जैसे कि जसप्रीत बुमराह को जिनको कहा जा रहा है कि पांचवें टेस्ट मैच में उन्हें खिलाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे तो भी ठीक रहेगा, उसी तरह आप आकाशदीप को खिला लें, तो इस पर कुछ बात करेंगे। और इंग्लैंड की क्या स्ट्रेटजी होगी। इसके अलावा जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी ये जो अपने व्यूअर्स हैं ना, उन्हें उदास नहीं करता, उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करता। हमेशा कोई ऐसी खबर ढूंढ के लेके आते हैं कि देखने वाला सुनने वाला हैरान रह जाता है कि भाई ये क्या हो गया और ये क्या सोच के इन्होंने किया है। तो जी, एक ऐसा स्टेप जो कि नए नवेले हमारे चेयरमैन आए हैं पीसीबी के, मोहसिन नकवी साहब, कहने को तो इलेक्टेड हैं बट सिलेक्टेड हैं। पॉलिटिकल हायरिंग होती है जनाब, तो वो भी एक पॉलिटिकल हायरिंग है, लेकिन अभी अभी ये है कि उनको
प्रॉपर वे में इलेक्ट किया गया है, 3 साल के लिए आ चुके हैं। सो उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की इस्लामाबाद में और कुछ नए लाया अमल का उन्होंने ऐलान किया है। क्या है वो, क्या डिसीजन लिया है उन्होंने, बड़ा ही दिलचस्प डिसीजन है जिसे जब आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे। मैं तो काफ़ी हैरान हुई और बाज लोग कहेंगे कि भाई ये कहाँ से आई है चीज़। तो ये जो चीज़ जहाँ से भी आई है आपसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हारिस रऊफ के जिनको का नाम काफ़ी चर्चा में है काफ़ी अरसे से, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, उनकी हरकतों की वजह से टेस्ट मैच खेलने से मना कर देते हैं। आपकी टीम टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, आप वहाँ पे बीबीएल खेल रहे हैं, लेकिन आई थिंक यहाँ पे खिलाड़ी का कसूर नहीं है, यहाँ पे उस बोर्ड का कसूर है, उन लोगों का कसूर है जो कि इस तरह से इन चीज़ों को लेके चलते हैं। तो जी बहरहाल उन्होंने बीबीएल खेली, फिर अवार्ड किया गया उन्हें न्यूजीलैंड की सीरीज, वहाँ पे भी परफॉर्मेंस ख़राब। अभी पीएसएल के अंदर भी एक मैच के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस की वरना पैथेटिक जा रहे थे कि वो अनफिट होकर बैठ गए हैं। तो अब उन्होंने बोर्ड से रिक्वेस्ट की है भाई कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुझे वापस दे दें। जाहिर बात है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो जो इतनी उनको शोल्डर की इंजरी हुई है, सारी चीज़ें उस तरह से आपको प्रोटोकॉल नहीं मिल पाता है, उस तरह से चीज़ों को आप ले के नहीं चल पाते हैं। बोर्ड में तो फिर सारे एक्सपेंसेस जब आप कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं बोर्ड ही बेयर करता है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है मोहसिन नकवी साहब से, तो इस हवाले से आपसे बात करेंगे। और जी इसके अलावा रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल्स जारी हैं, एक का नतीजा आ चुका है और उस नतीजे से ऑफ कोर्स जो हारने वाली टीम है वो खुश नहीं है, बल्कि बड़ी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उस टीम के जो कोच है तमिलनाडु के, वो सामने आए हैं और उन्होंने ब्लेम किया है अपनी टीम के कैप्टन को। इस हवाले से बात करेंगे। तो जी आइए बात का करते हैं आगाज, तो आइए जी बात का आगाज करते हैं हारिस रऊफ से। हारिस रऊफ का नाम पिछले कुछ अरसे से काफी चर्चा में है, काफी उनकी बात हो रही है, लेकिन ये बात उनकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हो रही, ये बात हो रही है उनके उल्टे सीधे फैसलों की वजह से जो कि उन्होंने लिए पास्ट में, और उनकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से। हम अक्सर उनकी बात करते हैं, कहानी हम सबको पता है, टेस्ट खेलने से मना कर देते हैं और जो टीम है आपकी वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेल रही है और आप बीबीएल खेल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हारिस रऊफ के कसूर से ज़्यादा उन लोगों का कसूर है कि जिन्होंने उनको खेलने जाने दिया। अगर वहाँ पे ही ये उनको रोक दिया जाता, ये प्रायोरिटी आप बता देते कि जो खिलाड़ी टेस्ट नहीं खेलेगा, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है, उसके खिलाफ हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, लेकिन नहीं, जो इतनी तो हिम्मत ही नहीं है। वैसे तो वहाब रियाज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी आके कि नहीं जी वो जाएंगे बीबीएल खेलने के लिए, बीबीएल खेलते हैं, उसके बाद उनको रिवॉर्ड की जाती है न्यूजीलैंड की सीरीज में। आई थी पैथेटिक परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की सीरीज में, एक पाकिस्तान मैच जीता, वो भी वो जब वो नहीं खेल रहे थे, अगर खेल रहे होते तो मेरे ख्याल से वो भी मैच पाकिस्तान ने नहीं जीतना था। उसके बाद पीएसएल और पीएसएल से पहले उनको कॉन्ट्रैक्ट से, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया जाता है। पीएसएल में भी उनकी बड़ी पैथेटिक परफॉर्मेंस हमने देखी, सिर्फ एक मैच में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस रही, उसमें उनका वो शोल्डर की इंजरी हो गई और अब उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का दोबारा से हिस्सा बना दिया जाए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। अब हुआ यह है कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, एक हारिस रऊफ के फेवर में है कि उनके साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, एक इसके अगेंस्ट है कि नहीं भाई इस फैसले पर रहना चाहिए। लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट कहाँ है, पाकिस्तानी क्रिकेट की बात कहाँ पे हो रही है? इट्स नॉट अबाउट द हारिस रऊफ, इट्स अबाउट पाकिस्तानी क्रिकेट, इट्स अबाउट लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट, इट्स अबाउट द प्रायोरिटीज ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट, कि आप किस चीज को प्रायोरिटाइज करते हैं, एक इंडिविजुअल को या पूरे सिस्टम को। तो अब देखना है क्या फैसला आता है, लेकिन बहरहाल जो भी फैसला आएगा जो पाकिस्तानी क्रिकेट है उसकी काफ़ी चीज़ों को डिफाइन कर देगा। हमने पास्ट में देखा है कि पीसीबी या आप ये कहें जो पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं वो बड़े यू टर्न लेते रहे हैं। रीसेंट की जो बात है मुझे याद आ रही है, वो आजम खान की इस वक्त याद आ रही है कि जिन्होंने अपने बैट पर नेशनल T20 में एक स्टीकर लगाया, जका अशरफ साहब ने बड़ा जी स्ट्रिक्ट उनके खिलाफ एक्शन लिया, वो बड़े हीरो बने वहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा प्रोटेस्ट हुआ, थोड़ी सी आवाज़ें अगेंस्ट में आई उस फैसले के, एंड ही टुक द यू टर्न कि नहीं भाई ठीक है, वो जो पनिशमेंट थी वो ख़त्म कर दी गई। तो अब देखना ये है कि जो मोहसिन नकवी साहब जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़े जी वो अपने असूलों के पक्के इंसान मशहूर हैं, तो वो क्या करते हैं इस पे, लेकिन जो भी करेंगे ये पाकिस्तानी क्रिकेट पे अगर मैं कहूँगी बड़े डीपली असरअंदाज होगा।
अब मैं यहाँ पे इंडिया की बात करूंगी, फिर लोग कहेंगे यार आप इंडिया की बात करते रहते हैं, हम कैसे इंडिया की बात नहीं करेंगे, जब एक ये कि तो आपकी नेबरिंग कंट्री है और दूसरी बात ये कि इशू सेम ही है। हम यहाँ पे ईशान किशन की बात करें या श्रेयस अय्यर की बात करें, दोनों बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मैं समझती हूँ हारिस रूफ के मुकाबले में बेहतर क्रिकेटर्स हैं। इट्स नॉट लाइक डैट वो खाली शॉर्ट फॉर्मेट खेलते हैं, वो बड़ा इंटेग्रल पार्ट, खासतौर पे हम श्रेयस अय्यर की बात करें, इंटेग्रल पार्ट रहे हैं वो इंडिया की टीम का। अभी ओडीआई वर्ल्ड कप में उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इंडिया के लिए, सेंचुरी स्कोर की हैं। और अगर हम ईशान किशन की बात करें तो ओडीआई वर्ल्ड कप में जब कोहली मेरे ख्याल से एक मैच नहीं खेले थे तो ही डिड वेरी वेल, जब भी उनको बुलाया जाता है एज ए विकेट कीपर बैटर ही ऑलवेज प्रूव्ड इट। सो ऐसे में उन खिलाड़ियों को जो कि बड़ा आपका फ्यूचर का अच्छा प्रोस्पेक्ट है, ईशान किशन डबल 100 ओडीआई में बना चुके हैं, आसान बात नहीं होती है, उनको सिर्फ इसलिए कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया गया कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से मना नहीं किया, सिर्फ अवॉइड किया, उसे मुंह से नहीं कहा हम नहीं खेलेंगे, अवॉइड कर रहे थे क्योंकि वो ऑफकोर्स आईपीएल के लिए अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना चाह रहे थे या जो भी उसके अंदर वजूहत थी। लेकिन यहाँ पे एक्शन लिया गया, आवाजें वहां से भी आ रही हैं। बाज लोग इस, अगर बहुत ज्यादा लोग तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इंडियन जो बोर्ड है, जो बीसीसीआई है, वो इस किस्म का कोई मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की कोई हरकत करेगा कि अब वो जनाब श्रेयस अय्यर को अगर वो कोई आईपीएल में कारनामे अंजाम दे दें या ईशान किशन को वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे दें आईपीएल के अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट का दोबारा हिस्सा बना देंगे। लेकिन पाकिस्तान में क्या होगा इस पर जनाब सबकी नज़रें हैं। और अब हम अगर बात करेंगे यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए नवेले चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, जो कि वैसे तो इलेक्टेड हैं लेकिन सिलेक्टेड हैं क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल हायरिंग्स होती हैं और पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा असरअंदाज है। सो वो किस वजह से आए हैं, क्यों आए हैं, हम सब जानते हैं। और एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो इंसान जब भी मेरिट का कत्लेआम करके आएगा, वो दूसरे रास्तों से आएगा, वो सही फैसले नहीं कर सकता, वो मेरिट पे फैसले कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो उसके इर्द गिर्द के लोग होते हैं वहाँ पे कुछ लो कुछ दो वाली पॉलिसी होती है। जो लोग आपको ओवरलैप करके रूल्स को लेके आए हैं वो कहते हैं भाई हमें भी फेवर दो, हमारी भी सुनो, एंड यू हैव टू डू दैट। सो वो जिस सिस्टम से आए हैं उसी के लिए उन्होंने एक बड़ा ही दिलचस्प फैसला लिया है। तो जी उन्होंने मुलाकात की पाकिस्तानी प्लेयर से इस्लामाबाद में, पीएसएल के मैचेस भी जा रही हैं हम जानते हैं। सो वहाँ पे मुलाकात की और उन्होंने वो जो एक उनका है कि भाई थोड़ा सा उनकी एक पर्सनैलिटी है जनाब के बड़े बड़े फैसले करते हैं, तो अब देखेंगे कितने बड़े बड़े फैसले करते हैं। एक बड़ा फैसला तो उन्होंने किया है वो आपको बताएंगे, लेकिन खिलाड़ियों को बहरहाल उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जो अक्सर पॉलिटिक्स की खबरें आती हैं, खिलाड़ी खुश नहीं हैं एक दूसरे से या पॉलिटिक्स हो रही है, तो वो कहते हैं जी इससे दूर रहें, ठीक हो गया। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, अक्सर पाकिस्तानी टीम की फिटनेस का इशू बना रहता है। मिकी ऑर्थर ने भी जब कहा कि भाई पिछले दिनों उनका बयान आया कि जी मुझे मना कर दिया गया था कि फिटनेस पर बात ना करें, जो बाबर आजम हैं या जो ट्रेनिंग कोच थे उन्होंने कहा कि भाई खिलाड़ियों को खेलने दें वर्ल्ड कप से पहले और ज़्यादा फिटनेस को आप डिस्कस ना करें। और फिर ये भी हुआ कि जनाब 2 किलोमीटर नहीं खिलाड़ियों से भागा जा रहा, सांस फूल जाती, तो इससे बड़ी इस तरह की बातें वो डिस्कस हुई हैं। तो अब उन्होंने एक हल निकाला है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फिटनेस रीगेन करवाने के लिए, क्या निकाला है पाकिस्तान में जनाब, एक ही हल है, बस सिर्फ एक हल है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नहीं चल रही है, हमारे माशाल्लाह से जो इदारे हैं पिंडी वाले हैं वो आ जाते हैं, यानी पाकिस्तान आर्मी, और इदारे नहीं चल रहे हैं पाकिस्तान आर्मी, लोग नहीं चल रहे हैं पाकिस्तान आर्मी, तो जी अब अगर क्रिकेटर्स की फिटनेस का इशू है, उनसे ग्राउंड में नहीं चला जा रहा, भागा नहीं जा रहा सही से, फिटनेस का इशू है, सो हेयर इज पाकिस्तान आर्मी। सो मोहसिन नकवी ने कहा है कि जो पाकिस्तान आर्मी के साथ एक ट्रेनिंग कैंप किया जाएगा, वैसे 2016 में इससे पहले भी ऐसा हो चुका है कि एक कैंप लगाया गया था काकुल में मेरे ख्याल से, जहां पे शॉर्ट टर्म में खिलाड़ियों को ट्रेन किया गया था। देखिए आर्मी की जो फिटनेस है ऑफकोर्स वो एग्जाम्पलरी होती है, चाहे वो पाकिस्तान की है, चाहे वो इंडिया की है, बांग्लादेश की है, यूएसए की है, जहां की भी है, फिटनेस इनका एक कोर होता है और बड़ी अच्छी लोगों की फिटनेस होती है और ये बड़ा उसको मेंटेन करते हैं, बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, तो जी उसके तहत इनकी कुछ ट्रेनिंग करने का कहा गया है। सो 2016 में अगर मैं पीछे जाऊं तो उसके बाद जब मिसबाह उल हक और ये जो हफीज़ और ये सारे खिलाड़ी थे, कुछ नए कुछ पुराने, जो कुछ उस वक्त जो हैं तब नए नए आ रहे थे,
इन सब ने फिर आई थिंक इंग्लैंड की सीरीज थी उसके बाद, इस ट्रेनिंग के बाद तो कोई सलूट वगैरह भी किया था मेरे ख्याल से अपने ट्रेनर्स को। तो अभी मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि देखिए जो जो पाकिस्तान है यहाँ पे, क्योंकि जो फैसले हैं वो लोगों की मर्जी के नहीं हो रहे हैं। अभी इलेक्शंस हुए तो जो हुकूमत बनी है वो भी लोगों की मर्जी की नहीं बनी है, वो भी जो ऊपर वाले हैं उनकी मर्जी की बनी है। तो और कोई इतनी पॉजिटिव वाइब नहीं है लोगों में अपने ही इस इदारे को लेके। तो एक तीर से दो शिकार किए गए, वो कैसे? वो ऐसे भाई, एक तो ट्रेनिंग की ट्रेनिंग हो जाएगी जो कि अभी मैं आपको बताऊंगी काफ़ी मुश्किल है। पता नहीं उन्होंने क्या टाइमलाइन वो डिस्कस की है इसके लिए, कब करवाएंगे, कौन सी विंडो इन्हें मिली है कि जिसमें कि ट्रेनिंग होगी। तो एक तो ट्रेनिंग की ट्रेनिंग हो जाएगी और दूसरी ये कि टीम जरा अच्छा खेलेगी। वैसे तो मुल्क में प्रेज मिल नहीं रही है, तो चलो इसी बहाने को सलूट सलूट हो जाएगी। तो ये एक इसके पीछे सोच है जो जाहिरी तौर पे दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी देखिए पीएसएल खत्म होगा, पीएसएल के बाद आपकी न्यूजीलैंड से सीरीज है मेरे ख्याल से 18 अप्रैल से, 10 दिन का टूर होगा न्यूजीलैंड का। उसके बाद पाकिस्तान ने आयरलैंड से खेलना है, इंग्लैंड से खेलना है, फिर वर्ल्ड कप है। तो ये कौन सी विंडो के अंदर ट्रेनिंग होगी, आई डोंट नो। और अगर 3-4 दिन की या 5 दिन की हफ्ते की ट्रेनिंग होगी तो उसका क्या फ़ायदा होगा। अफसोस की बात ये है कि 2016 में जहाँ पे थे ना, अभी भी वहाँ पे हैं, अभी भी वहाँ पे हैं। जब दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है, इतने फिटनेस स्टैंडर्ड आ चुके हैं क्रिकेट के अंदर, नई टेक्निक्स आ चुकी हैं, नए गोल्स आ चुके हैं, और हम अभी तक वो 2 किलोमीटर दौड़ते हैं, या जो नहीं दौड़ रहे उनके लिए आर्मी को बुला लो, वो ही दौड़वाएगी उन्हें, उनको देख कर दौड़ेंगे दौड़ेंगे। तो जी ये फैसला आया है जो कि मैं नहीं समझती कि लॉन्ग टर्म में आपके लिए फ्रूटफुल है, एक पॉलिटिकल फैसला है, टीम को इसका आई डोंट थिंक सो कोई फ़ायदा होने वाला है। तो जी ये कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट से रिलेटेड था कि जिस पर हमने कहा कि हम बात करते हैं। अब हम रुख करते हैं इंडिया का और वहां पे बात करते हैं रणजी ट्रॉफी की। रणजी ट्रॉफी के अंदर मुंबई की टीम जीत चुकी है और तमिलनाडु की टीम जो हारी, और जो मुंबई की टीम है उसके अंदर एक्चुअली मेरे ख्याल से तमिलनाडु की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी, क्योंकि अगर आप लोगों ने मैच देखा है, मैंने पूरा तो फॉलो नहीं किया, बस हाइलाइट्स वगैरह ही देखी है और स्कोर कार्ड मैंने देखा कि उसके अंदर शुरू में तो बॉलिंग बड़ी अच्छी हुई है, लेकिन उसके बाद ये जो भाई ये शार्दुल ठाकुर ने और उनके बाद वो तुषार और वो जो एक और आए, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ये 3 खिलाड़ियों ने आके ना सारी चीज़ों को तहस नहस कर दिया। एक ने 109 बना दिया, एक 89 बना के नॉट आउट, एक ने 26 बना दिया, यानी 200 से स्कोर को 378 पे मेरे ख्याल से वो ले गए। तो ये जो 3 खिलाड़ी थे इन्होंने बड़ा डेंट पहुँचाया, वरना शुरू में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है खिलाड़ियों ने तमिलनाडु के, लेकिन बहरहाल वो मैच हार गए और उस तरह की बैटिंग नहीं वो कर सके कि जिस तरह की बैटिंग की उम्मीद की जा रही थी टीम से। और यहाँ पे बल्कि मैं देख रही थी कि श्रेयस अय्यर दूसरी इनिंग में कैसा खेलेंगे, तो दूसरी इनिंग तो आई नहीं, वो खेल ही नहीं सके। जो कोच है तमिलनाडु के, उन्होंने कैप्टन को ब्लेम किया है और उन्होंने कहा है कि हम उसी दिन मैच हार गए थे जब पहले दिन सुबह 9 बजे टॉस हुई थी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो कह रहे थे कि जो कंडीशन है उनके मुताबिक बॉलिंग की जाए, लेकिन जो कैप्टन है उनके अलग व्यूज थे, वो बैटिंग करना चाह रहे थे, तो वो फैसला गलत हुआ, टीम मैच हार गई। अब इस बिना के ऊपर काफ़ी तनकीद भी हो रही है उनके ऊपर, क्योंकि और जो कि मेरे ख्याल से जायज़ भी है, क्योंकि जब आप एक टीम में होते हैं और जो ड्रेसिंग रूम की बातें हैं वो ड्रेसिंग रूम में रहनी चाहिए। पाकिस्तान में भी आपने सुना होगा कि जब वो बातें बाहर आना शुरू हो गई थी ज़का अशरफ के दौर में, झगड़े हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मीटिंग की खबरें बाहर आ रही हैं, तो ऑफकोर्स इस चीज़ को काफ़ी एक अगली पिक्चर ये चीज़ पोर्ट्रे करती है कि आपकी टीम एक नहीं है। और अगर आप हार गए हैं तो हार गए, इट्स ओके, इट्स अ गेम, एक जीतेगा एक हारेगा। और वैसे तमिलनाडु बजाय ये कि उनकी जो अचीवमेंट है उसको सेलिब्रेट करते, ये ब्लेम गेम शुरू हो गई यहाँ पे, क्योंकि पहली दफ़ा सेमीफाइनल खेले 7 साल में, तो इट्स अ बिग थिंग फॉर देम। इतनी ज़्यादा टीम्स में से आपने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, ऑफ कोर्स विनर विल बी वन, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी अचीवमेंट थी। तो ये जो तनकीद हो रही है ये सही है, और मेरे ख्याल से जो टीम की बातें हैं वो टीम में रहें तो ही अच्छा रहता है। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, हमने कहा आपसे कुछ बात करते हैं, अब आपसे मुलाकात कल होगी। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह के बाद।